ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या। चल चल यार उधर चल, चलो यार थोड़ा सा उधर चलो, इधर कितना आप चढ़ोगी, चलो ना। हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो यार? तो भाई ये देखो, तुम्हारा भाई पूरा नंगा पुंगा हो गया, पूछो कैसे और क्यों। अरे कैसे नहीं क्यों भाई, तो देखो भाई बात ये है, कभी सुबह सुबह अभी भाई कितने टाइम पता है, अभी 8 बज गए और जगने वाला मैं अभी 8 बजे। भाई क्या ही करूँगा मैं, पता नहीं। तो अभी 8 बज गया भाई, अभी 1000 बारी जगाने के बाद मैं जगा हूँ, और थोड़ा सा मुझे करना था मेहनत जो कि मेरे पेट के लिए था, इसे अंदर करना है भाई। अभी तो थोड़ा सा ये ऐसे दिख रहा भाई, ये देख लो, अभी नहीं दिख रहा उतना क्योंकि कल भाई मेरा फास्टिंग था, जिसके कारण कि कल मैंने खाया नहीं उतना, हल्का सा मीठा मीठा खाया हूँ शाम में, तो इसलिए पेट नहीं दिख रहा है, नहीं तो भाई इतना बड़ा बड़ा। और भाई होता क्या है, मैं ना यानी कि हर रोज़ रात में जब भी आके सोता हूँ ना बिस्तर पे, सोने के बाद भाई यानी ऐसा कुछ लगता है जैसे कि लगता है कि मेरे अंदर हजारों यूट्यूबर का आत्मा घुस जाता है। सोचने लग जाता हूँ भाई, सोचते सोचते एकदम गहरा एकदम कोमा में जैसे चले जाता हूँ। नींद खुलती है तो पता चलता है कि सुबह हो गई, अरे भाई वो भी 7-8-9 बज जाते हैं। तो किसी तरह से तुम्हारा भाई आज भाई फिर भी ढंग के टाइम पे जगा भाई, क्योंकि नहीं तो 8-9 तो बज ही जाते हैं, तो भाई फिर भी आज जग गया। तो चलो अभी थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ठीक। तो भाई अभी थोड़ा सा गर्मी भी है, पूरा हवा तवा भी उतना नहीं चल रहा है, वो भी घर के पीछे मैं आया हूँ जो कि आप लोगों को बढ़िया से पता है, इधर का भाई हजारों बार दिखा चुका हूँ यहाँ का जगह, ये मेरा फेवरेट जगह है क्योंकि गर्मी के लिए ऐसे घर के पास तो फेवरेट ही होता है। तो बाकी थोड़ा सा मेहनत करते हैं भाई, पेट को करते हैं अंदर, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके एकदम पूरा एकदम बॉडी बनाएगा तुम्हारा भाई, एकदम खतरनाक वाला सनी देओल बनेगा ये। अरे भाई क्या अभी मजाक मजा ले लोगे, अभी उतना खास है नहीं। तो बाकी चलो अभी थोड़ा सा कि डिप्स वगैरह मारते हैं, फिर उसके बाद कौन से वो उछल कूद करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में उतना पता है नहीं, लेकिन कि बाकी मोबाइल वोबाइल से देख देख के ही कर लेता हूँ। तो चलो भाई, तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये लगा दिया मैंने मोबाइल, अभी तुम्हारा भाई एकदम खतरनाक बॉडी बनाएगा। ओ भाई नहीं हो रहा यार, 2-3 महीने से तो एकदम सा नहीं कर रहा, एकदम से थोड़ा सा भी करते ही नहीं 2-3 महीने से, क्योंकि पहले तो कभी कभी डिप वगैरह मार भी लेता था, अभी तो एकदम से नहीं मारता। और बाकी अभी हाल ये है, हाँ चलो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं भाई।
तुम्हारे भाई ने मौज कर दी भाई। तो यार भाई अब दो स्टेप हो चुका है, अब तीसरा स्टेप वो लटकने वाला, लटकना है मुझे। तो लटकने के लिए भाई क्या जुगाड़ ढूंढूं, कोई पेड़ में लटक जाऊं। अबे एकदम से नहीं वाला वो भाई, वो वाला नहीं, ऐसे हाथों पे लटकने वाला। तो कहाँ लटकूं भाई, इधर कोई जुगाड़ है क्या रे? हाँ दिख तो रहा है, तुम्हारा भाई एकदम लटकेगा। अरे भाई कहीं देख लेना, तो कहीं बोलना देखिए हम तो नहीं है। ये भाई देखो माखी। तो भाई अभी ना शरीर में वजन मेरा बढ़ गया, भाई भाई शरीर का इतना वजन है ना तोल नहीं पाता, छाती वाती फूल रहे। देखो एक दिन के एक्सरसाइज में एकदम भाई दूसरी बार नहीं हो रहा है, एक बार दूसरी बार हो ही नहीं रहा है। पहले होता था क्या, ऐसे अगर मारता था ना भाई दस दस बारी मार लेता था भाई, ऐसे लटक जाता था। अभी कोशिश, चलो कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती क्या, कोशिश करता हूँ। दो बारी तीन बारी तो पक्का मार के जाऊँगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। भाई फिर कभी करेंगे, लेकिन कि अभी छोड़ेंगे नहीं, कभी और भी करेंगे लेकिन कि अभी तो छोड़ना नहीं। हाला आज बॉडी बनाना भाई, हो गया भाई आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना भाई? अब दूसरे दिन करूँगा, थक गया तुम्हारा भाई, देख लो सांसें फूलने लगी। तो चलो थोड़ा सा अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ भाई, तो मुझे थोड़ा सा फ्रेश भी होना है। अबे चप्पल कहाँ चले गया मेरा, तुम्हारे भाई ने चप्पल कहाँ खो दिया यार। तो भाई अभी मुझे चलो थोड़ा सा फ्रेश होना है, ठीक है? अभी नहाना भी है, हाँ तो लैट्रिन बाथरूम जाना है, बाकी नहाना है, क्या गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ। तो चलो थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मिलते हैं भाई, देखते हैं कि किधर जाना है। चलो भाई। तो है गाइस अभी तुम्हारा भाई एकदम नहा धो के पूरा रेडी हो गया भाई, फुल टू रेडी। तो अभी चलता हूँ भाई, तो बंदे लोग बुला रहे हैं, ठीक बंदे लोग घुस गए हैं, कॉल भी आ गया है, जाके देखता हूँ कि बंदा लोग क्या बोल रहा है। चलो भाई एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम है, एकदम पूरा लग रहा है जैसे कि आज बारिश होगा भाई। ओ भाई साहब ये देखो बंदे को, गाड़ी स्टार्ट हो गया बंदे का, देख रहो भाई मेरे को यही बंदा बुला रहा है, दिखाता हूँ। तो भाई बंदा कहाँ चल दिया? गाइस हम लोग शूटिंग के लिए तैयार हो गए हैं, बस दो मिनट हम लोग शूटिंग के लिए निकलने वाले हैं, फिलहाल जा रहे हैं टमाटर लाने, टमाटर लेके फिर कैमरा लाने। तो भाई चलो बाकी और देखते हैं, एक बंदा और बुलाया, कॉल किया है, तो चलो क्या बोलता है भाई। मैं भी थोड़ा सा कॉल कर लेता हूँ, मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है नहीं, इसी को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। चलो भाई कॉल करता हूँ थोड़ा सा। तो भाई मैंने बंदे को कॉल कर दिया है, बाकी बंदे लोग आ रहे हैं, रुको तुम दिखाएंगे अभी तुम, बंदा लोग आ रहा है, घूम गया बंदा लोग। तो आज का मौसम भाई क्या है बताओ, गजब का मौसम है,
अभी सुबह से ही, तभी मैं जगा था ना, सुबह हवा नहीं चल रहा था उतना, अभी थोड़ी देर पहले अभी हवा उठाया भाई, सॉलिड एकदम हवा, तो क्या बताऊँ भाई, एकदम मस्त ठंडा ठंडा मौसम है, लगता है जैसे बारिश होगी। ये देखो भाई, ये आ गया बाबा सांड। तो भाई अभी यार मुझे लगी भूख, क्योंकि कल खाया नहीं था, अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद ही कहीं जाऊँगा। आ गया मैं घर भाई। ए गुड़िया, नाश्ता लगा नाश्ता। ये देखो भाई क्या कर रहा है रे, ए लड़का, ये देखो भाई साहब, ये झूला झूल रहा है कौन सी। तो हे गाइस, अभी देखो तुम्हारा भाई कहाँ गया है भाई। भाई इतनी कड़ाके की धूप में अभी जा रहा हूँ भाई, गाय लेके, गाय चराने जा रहा भाई। ये देखो गाय लेके जा रहा ना, और मैं भी जा रहा हूँ। मेरा गाय लेके तो पहले पहुँच चुका है, पर लेकिन कि मैं अभी जा रहा हूँ। तो भाई ये देखो मिर्ची की खेती, ये पूरे हम लोगों के खेतों में लगा हुआ है भाई। तो चलो गाइस, देख रहा है विनोद? हाँ विनोद देख रहे हैं। हाँ आज तुम्हारा भाई चरवाहा बना है और गाय चराने आया है। इधर देख, अरे सलाई क्या क्या चढ़ता है रे, चरवाहा के ऊपर चढ़ रहा है, बताओ भाई क्या क्या। ये देखो भाई, तो यार ये अंधेरा अंधेरा काहे दिख रहा है बे, हाँ इतना बड़का लाइट में, हाँ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कहीं हम चुनरा तो ना गए रे, हाँ चरवा बने हैं तो का हो गया हमारे साथ। चल आठ, देख रहो ये हमार गैया, ये सब हमारे गैया है, ये हमार प्लॉट है, ये जितना बड़का प्लॉट है ना, ये सब हमारा है, तो अपना प्लॉट में लाज कैसन, अपना गाय चरावे में। अरे विनोद ये बिचरा है क्या रे, तो बहुत मार मारेगा अगर बिचरा खा लिया तो। तो गाइस अभी देखते हैं तुम्हारा भाई किधर किधर लेके जाता है, अभी बहुत बहुत दूर तक जाएगा भाई, अभी तुम्हारा भाई बहुत बहुत दूर जाएंगे। अरे चल, अरे चरने दो विनोद, कहाँ तक जाएगा, चलो लेके चलना होगा कि। चलो भाई ऊपर थोड़ा सा लेके चलते हैं, अरे दो चार बंदा इधर है, दो चार बंदा उधर रहो। तो गाइस चलो भाई और देखते हैं अभी भाई लोग कहाँ पे बैठा है, वहाँ पे चलते हैं चलो। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, आज हमारे साथ हमारे सिंगर भाई भी हैं यार, और तो ऐसे उदास उदास बैठा है, बताओ ऐसे मज़ा आने वाला है। अरे कुछ गाइए शिव जी। तो भाई साहब कुछ दो लाइन हो जाए यार, हाँ चलिए सुनाइए कुछ दो लाइन। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, बस भैया इतने दो, इतना ही दो लाइन के बाद और कुछ गा दीजिए कुछ अच्छा, और दो चार लाइन कोई सॉलिड सा, जो गाना आपको अच्छा लगता हो या पसंद हो या पूरा याद हो ऐसा। दो लाइन एक है, तो गाइए थोड़ा सा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो भाई गजब का लाइन गा दिया यार, गजब का एकदम, मज़ा ही आ गया। तो अभी चलो अभी बहुत सारा मौज मस्ती होना है, क्योंकि अभी यहाँ पे भाई शाम 7 बजे तक हूँ, ठीक ना। तो अभी क्या क्या मौज मस्ती होती है, तो बाकी बने रहो बस दिखाता हूँ सबको, नहीं तो अभी अगर लगातार लगातार बनाता रहूँ ना तो भाई ब्लॉग इतना
बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो बस बने रहो कंटिन्यू, देखते हैं कि कैसा कैसा मूवमेंट आता है और क्या क्या होता है, बाकी बस दिखाता हूँ भाई। चलो तो है गाइस, यानी कि मेरे माइंड में ना अरिजीत सिंह का दो लाइन आता है जो कि मैं बहुत दिनों से गुनगुनाता भी हूँ और मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो। तो भाई बदबू आ रही है यार, क्या चीज़ की पता नहीं, झाड़ के पास हूँ, डर भी लग रहा है, ये देख रहो जंगल है पूरा। तो चलो सुनाता हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बातें दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुम्हें कितना चाहने लगे हम, ओ तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो यार ऐसा कुछ था, यानी कि बहुत गुनगुनाता हूँ, आप आवाज़ तो उतनी अच्छी है नहीं मेरी बट, लेकिन कि बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, सिंगिंग करना चाहता था भाई मैं अपने लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहता था, डांसिंग का बहुत बड़ा शौक है, बहुत बड़ा दीवाना हूँ ठीक, और सिंगिंग का भी बहुत बड़ा दीवाना हूँ। तो साथ ही साथ यूट्यूब पे ये सब सारी चीज़ें करना चाहता था, लेकिन कि वो सब हुनर है नहीं मेरे अंदर। तो प्रयास करता हूँ कि हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ थोड़ा सा दिन पर दिन थोड़ा सा बेटर करूँ या अच्छा करूँ, बट लेकिन कि यही मेरी पहली कोशिश थी, बट लेकिन कि क्योंकि आप लोगों के सामने बट। और एक गाना और भी याद है राहत फ़तेह अली खान का, थोड़ा सा दो तीन लाइन है तो, जो कि अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बाकी चलो बस कंटिन्यू बने रहो। थोड़ा सा मैं उधर गाय भी देख लेता हूँ फिर आप लोगों को सुनाता हूँ। उधर गाय भाई दूर में है, उधर देख रहो, इधर ऐसे भी झाड़ के पास हूँ, उधर वो देख रहो मेरे गाय उधर है। तो चलो मैं सुनाता हूँ भाई। बहुत धूप है भाई साहब, कसम से बहुत धूप है, और उधर बहुत हालत खराब है, उधर तो मेरी गाय चल रही है और बाकी मैं इधर बांस के पास आके बैठा हूँ ठंडे में। और वो दो लाइन जो बता रहा था आप लोगों को कि राहत फ़तेह अली खान का है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो मुझे याद आया, थोड़ा सा दो लाइन गाना चाहता हूँ, गौर फरमाइएगा। तो भाई ऐसा है, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। तो भाई कैसा लगा, ओ बाकी बताना भाई कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को, उतनी अच्छी आवाज़ है नहीं मेरी बट, लेकिन कि मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ना कि बहुत ज़्यादा मैं बहुत बड़ा वाला वो सिंगर बनना चाहता था, यानी कि बहुत सारी दिल में ख्वाहिशें होती हैं ना हर किसी की, मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, मैं चाहता था कि सिंगर बनूँ बट लेकिन कि वैसी स्थिति नहीं रही मेरी ताकि मैं वैसा बन पाता, या कुछ हालात कुछ साथ नहीं दिए ठीक ना, तो जिसके कारण कि मुझे डांसिंग का बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दीवाना हूँ डांसिंग का और सिंगिंग का ठीक ना, बहुत बड़ा शौक है मेरे अंदर। तो इस चीज़ों को मैं चाहता था कि मैं ये चीज़ करूँ यूट्यूब पे आप लोगों को दिखाऊँ बट, लेकिन कुछ तो नहीं कर पाया, बाकी आपका भाई ब्लॉगिंग कर रहा है। तो चलो ब्लॉगिंग के माध्यम से जो होता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और दिखा रहा हूँ। तो भाई चलो बाकी और देखते हैं, कुछ भी नया अगर यदि तुम्हारा भाई अगर करेगा या
कुछ करना चाहता हूँ तो दिखाऊंगा बाकी आप लोगों को, सभी को। बस थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताना अच्छा लगे या यार जैसा भी लगा, हंसना मत भाई, जस्ट बता देना आप लोग थोड़ा सा कि हाँ कैसा था। ये मेरी पहली कोशिश थी, वो भी आप लोगों के सामने। ऐसे नहीं तो मैं तो गुनगुनाते रहता हूँ अकेले में, कौन सुनता है, मैं खुद से सुनता हूँ, लेकिन कि ये पहली बार है जो कि मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो थोड़ा सा बताना आप लोग कमेंट करके। तो चलो थोड़ा सा बैठता हूँ, उधर गाय भी कहीं भाग जाएगी यार, तो उधर देखता हूँ थोड़ी सी, ठीक, थोड़ा सा देख लेता हूँ उधर कहाँ गई मेरी गाय। और बाकी चलो बने रहो कंटिन्यू, और क्या क्या होता है दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसे भी तो गाय चराने आया हूँ भाई, क्या होगा खास, क्या होने वाला है, गाय चराता हूँ, बाकी जो भी होता है दिखाता हूँ आप लोगों को, कंटिन्यू बने रहें बस। तो हे गाइस, देख रहे हो तुम्हारा भाई कैसे धूप में बैठा है यार। गाय चराने मैं आता नहीं हूँ, बट पहली बार आया हूँ तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देख रहो इधर फसल लगा हुआ है पूरा, इधर से गाय आके अगर खा लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, किसी का फसल लगा हुआ है तो इधर धूप में बैठना पड़ता है। तो चलो बाकी तो और भी चलो, अभी गाय थोड़ा सा भाई चल रहा है, अभी शाम हो जाएगी तो अभी शाम में फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी तो गाय ही चढ़ाने आया हूँ भाई, अभी कुछ तो खास होने वाला है नहीं, तो अभी शाम होने वाली है, अभी 6 बज गया भाई और 7 बजने वाली है, 7 बजे तक घर चले जाएंगे, अभी ब्लॉग भी मुझे डालना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो भाई बस कमेंट करके बताना आप लोग कि कैसा रहा मेरा ये पहली कोशिश। चलो बाय।